आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी आर गिवन बिलो। तो ए बी और सी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। आपसे पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बी और सी के बीच में अगर कंपाउंड बनता है तो बी और सी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करूं। बी की है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसके 3p ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीन इलेक्ट्रॉन्स को देखो, इसके पास पांच हैं तो इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। अब ये या तो तीन लूज कर सकता है या तीन गेन कर सकता है। तो अगर बी और सी के बीच में फॉर्मूला बनाना है तो एक को तो कटायन बनना पड़ेगा। तो ये जो है ये तीन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा। इसीलिए बी तीन इलेक्ट्रॉन लूज करके बी प्लस सी बना देगा, सी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सी माइनस वन बना देगा। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनके बीच में एक केमिकल फॉर्मूला बनेगा, ये हो जाएगा बी सी थ्री। तो इनके बीच में जो केमिकल कंपाउंड बनने वाला है उसका फॉर्मूला होगा बी सी थ्री, क्योंकि बी तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, बी सी थ्री। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।